मैं डॉक्टर जतिन हिरावानी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जबलपुर हॉस्पिटल, जबलपुर। आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहा हूं जो आज के जमाने में, आज के समय में काफी जरूरी विषय है। कोविड महामारी के चलते काफी सारे मरीज अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज घर रह के कैसे किया जाए, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला एक तरह का गठिया है, जो कि जोड़ों की बीच की जो नरम परत रहती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके घिसने की वजह से होता है। कोविड महामारी के चलते काफी सारे मरीज, काफी सारे बुजुर्ग अपने घर में सीमित हैं और ये डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में हम घर बैठ के इस बीमारी का क्या कर सकते हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सबसे जरूरी चीज जो है वो है डाइट। तो घर बैठ के आप समझते हैं कि घर पे रह के अपन ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं, बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, चलने नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने को अपना डाइट का बहुत ख्याल रखना है, एक पौष्टिक आहार लेना है और कोशिश ये करनी है कि घर बैठे बैठे अपना वजन ना बढ़े। दूसरी चीज है एक्सरसाइजेस, नॉर्मल एक्सरसाइजेस अपने को घर पे करनी है, जैसे अपन वॉकिंग कर सकते हैं घर पे, अगर आपके घर में साइकिल है तो थोड़ी साइकिल चलाइए, इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस अपन कर सकते हैं, तो ये डाइट और एक्सरसाइजेस अपने को साथ में करनी है। घर में कुछ अपन पेन मेडिकेशन लेके रखें कि अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है तो अपन कोई पेन मेडिकेशन खा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू हो गए हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी घर बैठे बैठे करी जा सकती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, जिन्हें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं, उनके वीडियोज फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और या तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से अंडर सुपरविजन, ऑनलाइन सुपरविजन भी इस प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है कि कोविड के चलते, कोरोना महामारी के चलते काफी लोगों में घबराहट या एंग्जाइटी के लक्षण देखने मिलते हैं, तो अपने को एंग्शियस नहीं होना है, क्योंकि अगर एंग्जाइटी बढ़ेगी तो उससे स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपके आर्थराइटिस की गठिया के लक्षण जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जो अपन घर पे कर सकते हैं, वो है कि अपन जो ब्रेसेस हैं या जो ऑर्थोटिक्स बोलते हैं, जैसे कि घुटने के मोजे आते हैं, नी कैप्स आते हैं, कुछ डीलोडिंग ब्रेसेस आती हैं, वॉकर है, स्टिक है, इन सब का इस्तेमाल करें। डीलोडिंग ब्रेसेस लगाने से जो जोड़ों पे प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है, वो कम होगा और दर्द में भी कमी आएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अपन खास ध्यान रखें, और इसका मतलब ये नहीं कि अपन इंटरनेट पे या नेट पे जो भी चीजें अवेलेबल है वो सब करें। तो अगर जरा भी आपको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप ऑनलाइन परामर्श करवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, और या तो आप अपॉइंटमेंट लेके किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट भी कर सकते हैं, जो भी काम करें अंडर गाइडेंस। थैंक यू।